नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल अस्त। दोस्तों, इस वीडियो में आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसके चलते अब भारत भी आत्मनिर्भर बनना शुरू हो गया है और विदेशी लोगों को यहां पर भारत ने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पटकनी दी है। दोस्तों, भारतीय समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। दरअसल चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर करीबन 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने का काम सरकार की कंपनी BSNL ने पूरा कर लिया है। आने वाली 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। इसी के साथ ही अंडमान निकोबार और इसके आसपास वाले द्वीप वाले सभी प्रकार के इलाकों में टेलीकॉम सुविधा और तेज हो जाएगी। मोबाइल फोन में 4G सेवा मिलने लगेगी और इंटरनेट स्पीड पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगी। दोस्तों, दरअसल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार समुद्र में केबल बिछाने की सफलता में समुद्री इलाके के साथ देश की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। अंडमान निकोबार इलाके में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। कोची और लक्षद्वीप के बीच समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम किया जा रहा है। टेलीकॉम विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र के भीतर ब्रॉडबैंड केबल डालने से इंटरनेट की स्पीड तेज हो जाती है। भारतीय समुद्र में 30,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने की गुंजाइश है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक समुद्र के अंदर केबल बिछाने का काम विदेशी कंपनियां करती थी, क्योंकि उन्हें ही इसमें महारत हासिल है। लेकिन अब भारत इस दिशा में आत्मनिर्भर हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भारत सिंगापुर या यूरोप के साथ टेलीकॉम सेवा समुद्र में बिछाए गए केबल की बदौलत ही चलती है और इस काम में विदेशी कंपनियों का दबदबा है। इससे पहले BSNL ने विदेशी कंपनियों की मदद से भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री केबल बिछाने का काम किया था, जिसकी लंबाई काफी छोटी थी। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्री केबल बिछाने का काम लगभग 1,224 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। भारत सरकार के संचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इस परियोजना के लिए उसने राशि दी है। दोस्तों, समुद्री केबल बिछाने का काम काफी जटिल होता है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत होती है महारत की। इन केबलों को बिछाने में काफी सावधानी का ध्यान रखा जाता है और ऐसे में जो दबदबा केवल विदेशी कंपनियों के पास था, वो अब भारत ने करके दिखा दिया है। और ये आत्मनिर्भर भारत की पहल में एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है, क्योंकि भारत में भविष्य में 30,000 समुद्री मील तक की केबल बिछाने का एक बहुत बड़ा अवसर भी है और इससे भारत की संचार और सुरक्षा दोनों में ही एक बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में हमें उन वैज्ञानिकों को थैंक्स जरूर देना चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया। तो दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में आपका क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।